फर्जी डॉक्टर ने भैंस के ठोक दिया गलत इंजेक्शन, 7 दिन में मर गई 1.5 लाख की भैंस। दूसरे असली डॉक्टर से इलाज कराया तो पता चला कि लीवर में इन्फेक्शन हो गया था इंजेक्शन से। भैंस के मरने के बाद भी 25,000 रुपये मांग रहा फर्जी डॉक्टर, पीड़ित ने कराया केस दर्ज। हरमाड़ा थाना क्षेत्र में भैंस का इलाज करने वाले एक फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी खुद को डॉक्टर बताता था और जब उसे भैंस का इलाज करने के लिए बुलाया तो पता ही नहीं भैंस को कौन सा इंजेक्शन दिया कि कुछ देर में ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उसने इलाज के 25,000 रुपये मांगे, नहीं देने पर मारपीट की और जान तक लेने की धमकी दी गई है। मामले की जांच हरमाड़ा पुलिस कर रही है। 2 तारीख को इंजेक्शन लगाया, 9 को भैंस मर गई। हरमाड़ा पुलिस ने बताया कि सिंडलोई निवासी सुरेश मीणा के खेती के साथ ही पशुओं का कारोबार है, भैंसों का व्यापार भी करता है और घर में भैंसे भी हैं। भैंसों का काम करने वाला नरेंद्र भी उसका जानकार है। पीड़ित ने बताया कि कुछ दिन पहले एक भैंस बीमार थी, इसकी चर्चा पीड़ित ने अपने घर पर आए हुए नरेंद्र से की तो नरेंद्र ने खुद को डॉक्टर होना भी बताया और कहा कि भैंस को सही कर दूंगा, फीस बाद में देना जब भैंस सही हो जाए। पीड़ित आरोपी उसकी बातों में आ गया तो 2 तारीख को भैंस के इंजेक्शन लगाया गया। 2-3 दिन बाद तक भैंस और बीमार हो गई। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने टेस्ट कराए तो पता चला कि लीवर में इन्फेक्शन हो गया गलत दवा से। भैंस का बचना मुश्किल है, हुआ भी यही कि 9 तारीख को भैंस मर गई। पीड़ित ने इस बारे में नरेंद्र से बात की तो उसने कहा कि उसने जो सही इलाज किया था, इलाज के 25,000 रुपये देने होंगे, नहीं तो रुपये वसूल करना जानता है। पीड़ित ने मारपीट और जान से मारने की धमकियां देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि भैंस की कीमत 1,50,000 रुपये से भी ज़्यादा की थी।